Hey, hi kids. This is summer camp kids activity for Madhubani art. Hi, I'm Anamika Jha from my channel. ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो अभी गर्मी छुट्टी में बोर हो रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ ना कुछ ट्राई किया जाए. तो क्यों ना एक ट्राई बच्चे भी ले मधुबनी आर्ट को. किड्स, यहाँ हम मधुबनी पेंटिंग की कुछ कुछ चीज़ें इस बार समर वैकेशन में सीखेंगे, जहाँ मैं हर वीक एक या दो वीडियो अपलोड करूँगी. इसमें हम लोग हैंड फ्री वर्क, लाइन कचनी, फ्लावर फिश, टर्टल, वाटर एनिमल, पैरट पीकॉक, एलिफेंट काउ, सन ट्री और राधा कृष्णा फेस रिवील. देन मैं भी अपना फेस रिवील करूँगी, जो मैं आपने इतने दिन किसके साथ पेंटिंग सीखा. तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं मटेरियल पे. हमें चाहिए A4 साइज़ पेपर, और आप लोग जो सीखोगे सब A4 साइज़ पेपर पे ही सीखोगे, और A4 साइज़ सीट. A4 साइज़ सीट जो रहेगा वो 150 ग्राम्स GSM से ऊपर का रहेगा. कोई भी शीट हो, बस उसका जो मतलब उसकी जो मोटाई हो, कहने का मतलब है जो उसकी जो मोटाई हो वो थोड़ा थिक हो, वो पतला नहीं हो, मोटा हो. और हमारे पास जो मटेरियल रहेंगे वो रहेंगे पेन, जेल पेन, पेंसिल, इरेजर और ब्रश पेन. फिर एक्रेलिक कलर वो कवर करेंगे बाद में धीरे धीरे. हम लोग ब्रश पेन और ब्रश इस टाइप के जो ब्रश पेन आते हैं उसे यूज़ करेंगे, जिसके एक साइड ब्रश पेन होता है और एक साइड जेल पेन जैसा वर्क रहता है. तो हम इससे भी कवर कर सकते हैं. और जेल पेन जनरली ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, रेड कलर का और ग्रीन कलर का, और एक वाइट कलर का पेन भी रख लेंगे. साथ में रखेंगे हम लोग पेंसिल और इरेजर. फर्स्ट हम लोग सीखेंगे लाइन. देन सीखेंगे हैंड फ्री वर्क. सबसे पहले हमें सीखना है लाइन, सीखना है लाइन बनाना. लाइन बनाने के लिए हमारा जो हैंड का ये टिप है, ये टिप पेपर पे सटना नहीं चाहिए. तो फर्स्ट मैं यहाँ पेंसिल ही आप लोगों के लिए यूज़ कर रही हूँ. तो सबसे पहले लाइन जो स्टार्ट करेंगे वो इस तरीके से स्टार्ट करेंगे. और ये जो पेंटिंग होता है वो एक बॉर्डर के अंदर डेकोर किया जाता है. एक बॉर्डर के अंदर इस पेंटिंग को डेकोर किया जाता है. तो उस बॉर्डर को एक दोहरी लाइन के माध्यम से बनाया जाता है. या तो आप इस वे में बनाएंगे लाइन को, या तो आप लाइंस को इस वे में कंप्लीट करेंगे. A4 साइज पेपर पे आपको सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना है. यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट आपको चीज़ें समझाई जाएंगी, टिप पार्ट बाय पार्ट दिए जाएंगे, क्योंकि आपको बनाना है. मैं कैसे बनाती हूँ ये चीज़ रिलेट नहीं करता. आप उस चीज़ को सीख रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आप उसको कैसे बनाते हो ये रिलेट करता है. तो लाइंस जो है, लाइंस को ध्यान से देखेंगे. लाइंस हमेशा इस तरीके से बनाएंगे. अब हमारे चारों कॉर्नर्स पे लाइन बन चुके हैं. अब ये लाइन डबल होंगे. अब डबल लाइन जो आप करेंगे, हाय किड्स, तो ये डबल लाइन इसके पास से निकलेगी, ऐसे निकलेगी. इस तरीके से ये डबल लाइन निकलेगी. फिर चारों कॉर्नर से रिलेट होके चली जाएगी. मेरा वीडियो लेंदी भी होगा, लेकिन फिर भी मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, सीखेंगे हर एक चीज़ को तो ही समझेंगे. अगर मैं स्किप कर कर के भागती जाऊँगी तो आप शायद हो सकता है नहीं समझ पाए. और प्लीज़ 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 जिन तक ये वीडियो पहुँचे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर भी करिएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा. सेकेंड लाइन मेथड आप जो भी अपनाएं इस तरीके से करेंगे, तो बस ध्यान रखेंगे हैंड का जो ये टिप है वो हमारे पेपर से थोड़ा सा ऊपर रहे, इस तरीके से. या आप लाइंस को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से ड्रॉ करेंगे.
यहाँ मैंने पिनअप किया हुआ है इस पेज को, तो यहाँ मैं आपको पूरे कवर करके नहीं दिखाऊंगी। अब हम बॉर्डर बनाएंगे। सबसे पहले बॉर्डर, तो बॉर्डर जो बनाएंगे उसमें एक फिंगर की गैपिंग डालेंगे, ये आप मेज़र कर लेंगे अपने फिंगर से। तो सबसे पहले नेक्स्ट लाइन, स्केल की यूज़ नहीं करनी है, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अभी पेंसिल और इरेजर यूज़ करेंगे। आप लोगों के कारण किड्स के लिए ये प्रॉपर वीडियो है और उनके कारण मैं यहाँ पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीखना बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ये जो स्क्वायर बोर्ड बना है इसको भी डबल लाइन करना है, इसको भी डबल लाइन में कन्वर्ट करना है इस तरीके से। यहाँ हमने डबल कर लिया। अब मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। सबसे पहले हैंड फ्री वर्क, जब भी आप बच्चे हो या बड़े हो, जब भी आप क्लास आर्ट लाइन में आते हैं, कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो एक हैंड फ्री वर्क करते हैं। इसको हम लोग बहुत ही नाम, बहुत सारे नामों से जानते हैं, गणेश लिपि, ओम नमः सिद्धम, बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो इन सब तरीके के जो वर्क करते हैं ना, और किसी भी शुभ काम का शुरुआत जो होता है ना, फर्स्ट डे ओम नमः सिद्धम, ओम का, गणेश जी का, तो इसलिए ये हमारा शुभारंभ रहता है। आप लोग कर्सिव बनाते होंगे ना, कर्सिव टी, बिल्कुल उस तरीके से प्रैक्टिस करिए। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप इस तरीके से बॉक्सेस बनाएंगे। इस तरीके से बॉक्सेस बनाएंगे और ये लाइन एक दूसरे के बगल से जाएगी, बिल्कुल एक दूसरे के पास से जाएगी। इस वर्क को हम लोग बोलते हैं कचनी वर्क। मधुबनी आर्ट में इस वर्क को हम लोग कचनी वर्क बोलते हैं। और जब किसी भी ड्राइंग को, उसके बैकग्राउंड को, कोई भी चीज़ हो, उसको जब हम इस तरीके से फिल करते हैं, भरते हैं, तो उसको बोला जाता है भरनी वर्क। भरनी वर्क, कचनी वर्क और भरनी वर्क। भरनी वर्क। अब इसमें मधुबनी पेंटिंग में एक वर्क होता है कूटनी, जो इस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, और इस डॉट्स से हम लोग कभी वाटर बनाते हैं, कभी कुछ भी बनाते हैं, कुछ सारी चीज़ें बनाते हैं और बैकग्राउंड को फिल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे कवर करते हैं। इसमें नेक्स्ट होता है गोल गोल डॉट, जिसको बिंदु या बिंदी के रूप में हम लोग पुकारते हैं या बुलाते हैं, या नाम दिए हुए हैं बिंदु या बिंदी इस तरीके से। और ये जहाँ हमारा जैसा स्पेस रहता है उस हिसाब से काम करता है। लाइक अभी ये स्क्वायर बॉक्स है, तो मैं इस वे में जा रही हूँ। अगर मुझे एक ट्रायंगल शेप में लेना होगा इसको, तो मैं इस वे में लूँगी।
अगर मुझे सर्कल के अंदर इसको लेना होगा तो मैं इस वे में लूँगी, अगर मुझे इसको लंबाई इस तरीके से लंबाई में कुछ बॉक्सेस हैं तो मैं इसको लंबाई इस तरीके से लूँगी। तो जिस हिसाब से हमारे पास स्पेस रहेगा उस हिसाब से इस डिज़ाइन को लेके हम लोग काम करेंगे। तो लाइन अलाइन कचनी भरनी और कुटनी बिंदी आपका फर्स्ट डे का वर्क ये रहेगा, आप लोग इसको कवर करेंगे। देन हम लोग आएंगे नेक्स्ट वर्क पे तो हमारा जो नेक्स्ट वर्क है वो बनेगा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल शेप। आप क्या करेंगे, चारों कॉर्नर को इस तरीके से लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, चारों कॉर्नर पे आप एक लाइन कवर कर देंगे। जब आप ये लाइन कवर कर देंगे तो आप इस शेप में जाएंगे। प्लीज़ कमेंट करिएगा, जितने भी किड्स इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखेंगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर डालूँगी। तब तक के लिए आप इतनी सारी प्रैक्टिस को करेंगे, इस चीज़ को आप प्रॉपर करेंगे, चारों कॉर्नर पे करेंगे। ये प्रैक्टिस वर्क है, जिस तरीके से आप कहीं क्लासेस लोगे हर एक चीज़ स्लोली स्लोली, उस तरीके से मेरी वीडियो हर एक पॉइंट को कवर करते हुए जाएगी। वहाँ कहीं पे भी स्किप नहीं करूँगी मैं कुछ भी, ये नहीं है जो मैं बना लूँगी उसके बाद बस आपको पिक दिखा दूँगी। आप बनाओगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिक शेयर करोगे, मैं इस वे में कवर करूँगी। तो प्लीज़ मैं बोलूँगी जो भी लोग हैं वो जुड़िए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो किड्स आप ये काम पेंसिल से करेंगे, देन इसके ऊपर आप पेन वर्क चला के रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बॉर्डर कवर करूँगी।